ओम नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष रविवार अष्टमी तिथि तत्पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी, अतः इस बार का नवरात्र 8 दिनों का ही माना जाएगा। आगरा नक्षत्र दोपहर 2:15 तक लगा रहेगा, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आगरा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक मजबूत शरीर वाले, सुंदर, बुद्धिमान और व्यावहारिक होते हैं। भाइयों से मित्रवत, अगले पल का अनुमान लगाने वाले, तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये रसायन या केमिकल के अच्छे जानकार और इनके व्यापारी भी देखे गए हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, राहु और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज चंद्रमा मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे। मेष राशि के जातकों का सार्थक पहल जारी रहेगा, हर काम करने में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी। पिछले दिनों की अपेक्षा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों के लिए समय ठीक चल रहा है। पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे। अपने दिनचर्या में योगा और व्यायाम को शामिल करें, अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बिल्कुल अनुकूल है। अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल व्यावसायिक उन्नति के लिए करें। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। मन मुताबिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। पिता व उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। पुराने मित्रों से भेंट संभव है। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के पक्ष में रहेगा। आपका हर प्रयास सफलता के नए मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम है। सकारात्मक प्रेरणा का दौर जारी है। कई कार्य योजनाओं की रूपरेखा मन में बनती रहेगी। एक एक करके हर काम को करते जाएं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से राहत भरी खबर मिल सकती है। विरोधी दबे रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए सामाजिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। हर काम के प्रति आपकी सक्रियता और ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा। संतान संबंधी मामलों में चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। अच्छे कामों में खर्च संभव है। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। निजी संबंधों में तालमेल बिठा कर चलें और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सिंह राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। व्यावसायिक साझेदारी में लाभ संभव है। अपनी कार्य योजनाओं को स्वयं विश्लेषित करते हुए मूर्त रूप दें, लाभ मिलेगा। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए प्रयास करना होगा। वैवाहिक प्रसंग फलीभूत होंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शाम के बाद थोड़ा मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। मानसिक उलझनें संभावित हैं। अपने खान पान पर सावधानी रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। साजिश के शिकार हो सकते हैं। आपकी गोपनीय एवं महत्वपूर्ण बातें सार्वजनिक हो सकती हैं। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। विवाद के निपटारे को भविष्य के लिए टाल दें और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों को कई व्यावसायिक योजनाओं का निमंत्रण एक साथ मिल सकता है। जिस विषय पर आपका सबसे अधिक आत्मविश्वास हो, उसी को चुनते हुए अपने कार्य योजनाओं में शामिल करें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। विवादित मामलों को निपटाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपके प्रयास सार्थक होंगे। धार्मिक भावना बलवती रहेगी मगर मन अंतर्द्वंद और आशंकाओं से भरा रहेगा, और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों की सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। किसी महिला अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है। नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें, और छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। धनु राशि वाले जातक आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें। व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है। वृष राशि के व्यक्ति से सावधानी रखें, नुकसान संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक प्रस्ताव का योग बना हुआ है। मकर राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में निखार और अप्रत्याशित धन लाभ संभव है। बौद्धिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, जिससे व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, मगर चंद्रमा के छठवें घर में चलने की वजह से मन में अनावश्यक चिंता और भयग्रस्तता संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव संभावित है, मगर व्यावसायिक पृष्ठभूमि मजबूत रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल होगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मीन राशि वाले जातक नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें। चंद्रमा धीरे धीरे राहु के करीब होते जा रहे हैं। कुछ समय के लिए धैर्य और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, मगर काम होते रहेंगे और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। विद्यार्थियों को मानसिक दबाव महसूस होगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।